हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन तो स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर लिटरेसी फॉर पीजीटी मैथ का जो पेपर आया हुआ है 2023 में जो पेपर पूछा गया है एग्जामिनेशन जो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट था पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 2023 ओके okay? और हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में ओके okay? हम बात करेंगे कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में कि कैसे क्वेश्चन आए हैं देखिए कंप्यूटर लिटरेसी में आइए देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन गया है द फॉलोइंग इज नॉट डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड विद एम एस विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में क्या इंस्टॉल होकर के नहीं आता है ओके एमएस पेंट नोट पेड क्लॉक एमएस पावर पॉइंट तो करेक्ट आंसर है इसका एमएस पावर पॉइंट जो होता है वो इंस्टॉल होकर के नहीं आता उसको आपको इंस्टॉल करवाना पड़ता है अलग से तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल सही है चलिए अगला क्वेश्चन है इज नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ एम एस एक्सएल एम एस एक्सएल का कौन सा बेसिक फंक्शन नहीं है काउंट सम मैक्स एडिशन ओके तो एडिशन इसका जो होता है बेसिक फंक्शन नहीं होता है एडिशन की जगह सम जो होता है एमएस एक्सेल का बेसिक फंक्शन हुआ करता है तो करेक्ट आंसर इसका क्या है एडिशन ऑप्शन नंबर फोर चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी एट की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेल रेंज इन एमएस एक्सएल एम एस एक्सएल में सेल रेंज क्या कहलाती है तो सेल रेंज क्या होती है जो कलेक्शन ऑफ चूज एंड सेल्स होती है कलेक्शन ऑफ फार्मूला होती है कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होती है या कलेक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स होती है हिंदी में देखिए सेल रेंज क्या होती है ओके तो सेल रेंज कह रहा है कि चुने हुए सेल का संग्रहण फॉर्मूले का संग्रहण वैल्यू का संग्रहण या आपके पास में Uh, कौन सा क्वेश्चन है वैल्यू का संग्रहण या भरे हुए ऑक्यूपाइड सेल का संग्रहण ओके okay. तो इसका करेक्ट आंसर है सेल रेंज होती है चुने हुए सेल का संग्रहण ऑप्शन नंबर करेक्ट चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन की तरफ चलते हैं ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका लगाया है भरे हुए ऑक्यूपाइड सेलों का संग्रहण नहीं बट जो सेल रेंज होती है आप जो चुनते हैं उसका होती है सिलेक्शन जो आप करते हैं उसकी वैल्यूज उसका जो रेंज होता है उसको कलेक्शन ऑफ सेल चूज एंड सेल को बोलते हैं हम ओके डन नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इस कैन नॉट बी रिपोर्टेड एज साइबर क्राइम इसमें से साइबर क्राइम कौन सा नहीं है थ्रेडिंग सम वन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये साइबर क्राइम है थेफ्ट ऑफ ब्रांड न्यू हार्ड डिस्क फ्रॉम अ शोरूम ये साइबर क्राइम नहीं है ये तो चोरी है किसी के शोरूम से नई हार्ड डिस्क चुरा लेना ये साइबर क्राइम नहीं है चोरी है शेयरिंग ऑफ पोर्नोग्राफिक कंटेंट ऑनलाइन ओके अश्लील विषय वस्तु को ऑनलाइन शेयर करना ये भी साइबर क्राइम है एंट्रिंग समवन ऑनलाइन बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम देयर विदाउट हिज हर कंसेंट ये भी साइबर क्राइम है तो इसमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है ओनली टू uh, किसी शोरूम से सॉरी हार्ड डिस्क की चोरी जो है ये साइबर क्राइम नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा टू बिल्कुल सही नेक्स्ट है व्हाट डज एस स्टैंड फॉर एच टी टी पी एस ओके एच टी टी पी तो सबने सुना होगा एच टी टी पी एस में एस का मतलब क्या होता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एस का मतलब क्या होता है ओके okay. तो इसका आंसर होता है सिक्योर एच टी टी पी एस में एस का मतलब क्या हुआ करता है सिक्योर हुआ करता है ओके okay? तो ये थे आपके कंप्यूटर लिटरेसी के सारे के सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडीज होम